मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटे मिली। मैंने चाहा चाहूँ ना तुझे, पर मेरी एक ना चली, इश्क में निगाहों को। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। अभी बस मैं आ गया हूँ पूर्वा वाटरफॉल। पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा कि मैं चिरौला मंदिर गया था, वहाँ का भी ब्लॉग बना है, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिंक आ जाएगा। तो अभी बस आ गया हूँ, ये मोड़ पे ही खड़ा हूँ, मतलब रोड जो मेन रोड है रीवा से सिमरिया वाली, इसी के मोड़ पे ही खड़ा हूँ, जहाँ पे पीछे करके दिखाता हूँ एक बार। ये ऐसा कुछ बोर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, पूर्वा जलप्रपात 300 मीटर, इधर से इस साइड जाना है। तो बस अभी यहाँ से निकलता हूँ अंदर साइड, और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें आगे चल के दिखाता हूँ। जब आप यहाँ से आएंगे सीधे मुड़ के, थोड़ा रास्ता यहाँ पे ख़राब है 200-300 मीटर, बस उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा कोई आने वाला रहता नहीं है, लेकिन ये बन जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है अभी जो भी है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। अच्छा हरियाली हो के रखी हुई है, यहाँ से लगभग 200 मीटर यहाँ पे पार्किंग आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा पार्किंग का इशू है, मुझे समझ में आया था पिछली बार भी, लेकिन मैं उसको इंडिकेट नहीं किया था। इस बार यदि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो फिर आगे दिखाता हूँ, उस साइड से निकल के उधर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप गाड़ियाँ लगा सकते हो, कई सारी गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। पर्ची यदि टेंडर बना हो तो, टेंडर नहीं है ये, प्राइवेट खुद का है। तो प्राइवेट कहीं ना कौन हिसाब से प्राइवेट चल, ये अपनी खुद की जमीन है, गाड़ी सेफ्टी करते हैं, गाड़ी तक बैठ के इनका चार्टिंग का मजूरी देते शाम के लिए, गाड़ी पैसा पाक के इन का चार्टिंग का मजूरी दे, जो उनका क्लियर जमीन अपन ही खुद है, ये सरकारी ताला लगा है और यहां से लेके गेट तक अपन ही होता है। अभी बस यहां से आ गया हूं अंदर, थोड़ा इशू रहता है पार्किंग का, मतलब यहाँ पे टेंडर नहीं है, गवर्नमेंट वाले में ताला बंद है, ऐसा ऐसा चाहिए, पैसा चाहिए, ये वो सब ठीक है, उन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग बोलते हैं कि मतलब प्राइवेट की जो इनकी ज़मीन है तो उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, 10 रुपये का है तो यदि होगा तो दे दूँगा, नहीं तो फिर कोई सब देते ही हैं तो क्या कर सकते हैं अभी। तो बस अब यहाँ से चलता हूँ अंदर, बरसात का मौसम है तो अच्छी हरियाली है यहाँ पर आसपास, और यहाँ पे थोड़ा पहले के हिसाब से, जैसा पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, तो यहाँ अलग चीज़ें हो गई हैं, अलग चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि पूरा रास्ता बना दिया गया है, सीमेंटेड कर दिया गया है, और पीछे बैठने के लिए भी कुछ चीज़ें, मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप का बना दिया गया है, और साथ में पहले जो रेलिंग लगी थी वो सब चीज़ों को हटा के पूरा नया कर दिया गया है। यहाँ पे साइड साइड में भैया भी बैठे हुए हैं, एक चना वना कुछ लेकर, और नॉर्मल एक कुरकुरे उरकुरे का पैकेट जो भी है। बस ये है कि थोड़ा जो यहाँ के लोग आते हैं वहीं लोग यहीं गंदा कर देते हैं, तो ये थोड़ा लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आसपास पूरा जो कचरा जो खाते होते हैं सब यहीं पे पड़ा हुआ है, तो अभी दिखाता हूँ बस पीछे। तो यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है, ये जो बैठने के लिए चीज़ें बनी हुई हैं, इसमें कई सारे लोग बैठे भी हुए हैं। यहाँ पर भैया देखो चना लगा के रखे हुए हैं, मतलब यहाँ पर आओ, यहाँ पर कई लोग सारे बैठते हैं। अब पीछे का दिखाता हूँ, यहाँ पर इतना तेज़ मतलब पानी नीचे गिरता है कि पूरा पानी उड़ के ऊपर साइड आता है, मतलब वहाँ यदि आप जाओ साइड तक तो आप भींग जाओगे, ऐसा कुछ करके दिख रहा है, दूर से दिखाता हूँ अभी, फिर इसमें पास में जाऊँगा मैं, मतलब जब यहाँ तक आ गया हूँ तो जाना तो बिल्कुल बनता ही है। तो ये ऐसा कुछ होके रखा हुआ है, मतलब कैमरे का नुकसान नहीं हो इसलिए एकदम किनारे तक नहीं जाके थोड़ा दूर तक रहूँगा और फिर आगे की चीज़ें दिखाऊँगा। यहाँ पर पूरी रेलिंग लग गई है और बराबर यहाँ पे स्टेयर ऐसी टाइप की बनी हुई है, ये पहले नहीं था तो यहाँ दिक्कतें रहती थी, मतलब हर कोई नहीं आ सकता था, ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ये सब चीज़ें कर दी गई हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रिंटर फोटो ये सब लेके रखे हुए हैं लोग, और पूरा पीछे का आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा माहौल होकर रखा हुआ है। यहाँ यदि देखेंगे तो पूरा पानी ये उड़ के ऊपर आ रहा है और ऊपर पूरा बादल बन जाता है, फिर ये कहीं जाके बरसता है। तो ऐसा कुछ होकर बस यहाँ बंदरों से थोड़ा सावधान होना है, बस जो भी बैग हो तो उसको अच्छे से मतलब सेफ्टी के साथ रख देना चाहिए, तो इससे दिक्कत नहीं होगी अभी, क्योंकि पीछे मुझे बंदर दिखे भी हैं इसलिए मैं पहले से इसमें बता दे रहा हूँ। अभी बस दिखाऊंगा पीछे का जो भी चीज़ें होंगी, और हो सकता है कि लेंसेज भी चेंज करके बड़ा वाला लेंस लगा के फिर स्लोमो वीडियोज़ कुछ बनाऊँ, यदि पानी वहाँ तक नहीं आएगा तो फिर यहाँ से जाके क्लियर चीज़ें दिखाता हूँ अभी। मिलती है बारिश फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं, दिल मेरी ना सुने, दिल की
की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करके बता देता हूँ, इसका जो हाइट है मतलब ऊपर से पानी गिरने का, ये लगभग 70 मीटर, लगभग 230 फुट का इसका वो है, मतलब जितने ऊपर से पानी नीचे जाता है, मतलब इतना गहरा है ये, उसी हिसाब से पानी ऊपर आता भी है। तो अभी यहाँ तक ज़्यादा दिक्कत नहीं समझ में आ रही है, तो कैमरा बंद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी मतलब कैमरे तक नहीं आ रहा है, ऊपर उड़ के सीधे ऊपर जा रहा है। तो अभी ऐसी सिचुएशन होकर रखिए, सीधे ऊपर जाने का भी रास्ता है, वहाँ भी जाऊँगा। यहाँ पर कुछ स्लोमो वीडियोज़ में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। अभी बस मैं यहाँ से ऊपर साइड चलता हूँ, मतलब पूरा चारों साइड जो भी चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें दिखाता हूँ इसमें। अभी ये स्टेयर अच्छी बनी हुई है, ज़्यादा फिसलन नहीं है, पहले ये चीज़ें नहीं थी तो थोड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ दिक्कत नहीं, थोड़ा पानी आ रहा है ऊपर, तो ये यहाँ पे कैमरे में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अभी बस पानी के डर के चक्कर में एक कैमरा मैं अभी टाइम लैप्स के लिए लगा दिया हूँ, मतलब दिखाता हूँ पीछे ये जो रेलिंग बनी हुई है इसी के पीछे पूरा है, ये ऐसा छोटा वाला दोस्तों इसके रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ पे लगा दिया हूँ, ये थोड़ा पेस्ट रहेगा कुछ देर के लिए तो कुछ अच्छी फुटेज बन जाएगी। और बाकी माहौल तो बहुत ही गजब का है, मतलब इतना पानी पीछे से आ रहा है ना कि बार बार मुझे कैमरा साइड करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके लेंसेस में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, फिर इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको चेंज कर पाऊँ। तो मतलब अभी ऐसा होकर रखा है, पूरा एक बार स्लोमो वीडियोस कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जिससे जो कि इंस्टाग्राम में डालूंगा, जो कि यहाँ आसपास कहीं भी हैंडल या कि लिंक आ जाएगा तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ कई सारी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो मतलब अभी कुछ फोटोज़ वीडियोस निकाल के फिर मिलता हूँ। यहाँ पे अपना छोटा वाला GoPro लगा दिया था, ये टाइम लैप्स कुछ निकाल लिया 2-3 मिनट का, अभी इसके बाद चलता हूँ आगे साइड। यहाँ पे थोड़ा फिसलन है और पूरा मेरे कैमरे में पानी जा रहा है जो जैसा दिख रहा होगा, तो अभी साइड में रखूँगा इसको, थोड़ा साइड में रखूँगा, ऊपर जाके फिर इसको साफ़ करूँगा। तो जो भी चीज़ें होती हैं अभी यहाँ से पूरा क्रॉस करके ऊपर आ गया हूँ, अभी ऊपर एकदम आ गया हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है पानी बरस नहीं रहा है, मतलब बाहर से भी आया हूँ तो पानी बरस नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज बारिश टाइप की एकदम लग रही है। तो अभी ऐसा हाल होके रखा है, अभी बस एकदम पास में किनारे आ गया था, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ अच्छी आ रही थी, इसीलिए मैं अपना यहाँ पे एक छोटू वाला कैमरा लगा दिया हूँ। ये आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। एक बहुत ज़्यादा किनारे नहीं हूँ मैं, एकदम मतलब यहाँ पे साइड में ही हूँ, मतलब बहुत सारी जगह बाकी है। ये रेलिंग जहाँ पे रहती है बस रेलिंग के पास ही खड़ा हूँ, बस यहाँ पे रेलिंग लगी नहीं है वो अलग बात है। तो ऐसा कुछ करके दिख रहा है, और ये पूरा पीछे एकदम हरा हरा दिख रहा है। यहाँ पे कैमरा मैं रख दिया था और फ़ोन से ही वीडियो बना रहा हूँ, पूरा ऊपर तक एकदम पानी आ रहा है। अभी बस ऊपर ये जो स्टेयर दिख रही है, यहीं से थोड़ा ये पत्थरों से होते हुए आया था, इसके यहाँ से ख़त्म हो जाती है स्टेयर, बस यहाँ से ये पीछे साइड आया था। यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ वीडियो अच्छी आती हैं, यदि आप आ सकते हो तो आ जाओ, लेकिन साइड में मत जाना क्योंकि यहाँ फिसलता बहुत ज़्यादा तेज़। ये ऐसा कुछ करके पूरा स्टेयर यहाँ से बनी हुई, यहाँ बहुत फिसलता है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से आना है क्योंकि यहाँ से फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपको फिर यहाँ से ऐसे ही नॉर्मल जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ से चलता हूँ स्टेयर से होते हुए, और पीछे का व्यू तो लाजवाब है, अब इतना पानी इतने बड़े स्केल में यहाँ पर है कि कुछ कहने लायक नहीं है। यहाँ पे पत्थरों से होते हुए चलता हूँ आगे, मैं पीछे दिखाता हूँ थोड़ा, मैं लेंसेज चेंज कर रहा हूँ, मतलब ये जो रखा हुआ है दूसरा वाला लेंस, तो इसको लगाऊंगा और कुछ फुटेज वीडियोस जो जिससे अच्छा ब्लॉग बने वो सब चीज़ें बना के फिर मिलता हूँ। दिल मेरा मांगे एक ही दुआ,
पहले तो कभी मुझको न ऐसा कुछ हुआ दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला तेरा मेरी नजरें उतारना हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों साथ है संग चल रहे अभी बस चारों साइड एक्सप्लोर कर चुका हूँ ये जो बना हुआ है जहाँ बैठने के लिए तो वहीं पे हूँ अभी यहाँ के यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ निकाल रहा था थंबनेल की पीछे दिखाता हूँ यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा था मतलब जो लोकेशन है वो इसीलिए ऐसा बनाया गया है मुझे सही शॉट दिखे बस वहाँ पे जाऊँगा थोड़ा सा इस साइड से उतर के साइड से बना हुआ है उतरने के लिए चढ़ने के लिए तो अभी बस यहाँ जैसा ये बना रहता है ना बैठने वाला उसी के पास से ही यहाँ पे आ गया हूँ यहाँ से पूरा प्रॉपर आ रहा है बाकी बंदरों से बस सावधान रहना है बस ये मेन है इनका ज़्यादा कुछ नहीं ये ऐसा कुछ करके यहाँ से दिख रहा है बहुत ही शानदार लग रहा है आवाज़ हो सकता है नहीं आ रही होगी लेकिन अभी ऐसा है बस नॉर्मल खड़ा हुआ था ना ये ऐसा पीछे का व्यू भी दिख रहा है पूरा यहाँ से पानी होकर जाता है और ये पानी पूरा उड़ रहा है यहाँ से पीछे पूरा रेलिंग तक लोग हैं और यहाँ की कई सारी वीडियोस शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाई है मतलब टाइम लैप्स वाली भी तो ये सब चीज़ें मैं अपलोड करूँगा अभी बस चारों साइड एक्सप्लोर हो चुका है बस यहाँ से निकलूँगा किसी दूसरे जगह के लिए यहाँ पे आवाज़ हो सकता है कम आ रही होगी तो यहाँ से अब निकलता हूँ बाहर चल के फिर मिलता हूँ जैसा कि मैं एंट्री टाइम पे ही बताया था कि यहाँ पार्किंग का कोई टेंडर नहीं है इन लोग ऐसा बोल रहे थे जो भी इशू था जो भी जैसा भी था पीछे पुलिस वाले खड़े हुए हैं और जितने भी थे यहाँ पे सभी को मतलब बैठा लिए हैं गाड़ी में तो यही मैं दो तीन बार पहले ब्लॉग में भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे नहीं लगता है चार्जेस नहीं तो पर्ची देने से इन लोग मना नहीं करते तो मैं तो नहीं दिया था और ना ही मैं देता हूँ पिछली बार भी मैंने नहीं दिया था तो जो लोग यहाँ देते हैं उनकी गलती है या कि उनको बोलना चाहिए तो अभी किसी ने कंप्लेंट की होगी या कि पुलिस वाले जो भी यहाँ आए होंगे तो फिर अभी लेके जा रहे हैं शायद जो भी जैसा भी होगा चिन्हित किया जा रहा है कि अवैध वसूली यहाँ पर चल रही थी तो ऐसा मैं एंट्री टाइम पर भी बताया था अभी जैसा कि दिखाया कोई मजिस्ट्रेट यहाँ पे आए थे उनको ऐसा पता चला होगा तो थाना से मरिया का कोई यहाँ पे बुलाए और इनको जो भी यहाँ पार्किंग का चार्जेस ले रहे थे उनको लेके चले गए अंदर तो यही सेम था अभी मैं लगभग एक घंटे पहले आया था तो सेम प्रोसेस था मैंने नहीं दिया था पैसा क्योंकि मैं नहीं देता हूँ ऐसी जगह पर इसीलिए मना करना चाहिए पर्ची मांगना चाहिए कोई यहाँ का टेंडर है ही नहीं उन्होंने बोले ये हमारी ज़मीन है मैं कहा कैसे हो सकती है तुम्हारी ज़मीन पर ठीक है अच्छा हुआ जो भी चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं तो बस अभी यहाँ से चलता हूँ अभी पूरा हर साइड का एक्सप्लोर कर चुका हूँ पूरी फोटोज स्लोमो वीडियोस कई सारी चीज़ें निकाल चुका हूँ इसमें तो अभी बस यहाँ से निकल के आ गया हूँ बाहर अब इस ब्लॉग की एंडिंग करता हूँ ऐसे ही और ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट वी गो ट्रैवल ऐसे ही और ब्लॉग इस चैनल में आते रहेंगे जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत।